आज आपको विदा करेंगे, आपकी कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरी ये टीम का मेहनत। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की हर एक्टिविटी तेजी से वायरल हो रही है। जनप्रतिनिधियों के अमर्यादित बोल हो, चाहे उनकी हंसी या दुख, हर चीज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के एक मंत्री का हो रहा है, जिसमें वो फफक फफक कर रो रहे हैं। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से विधायक और शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल उच्च चिकित्सा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त और भोपाल की नरेला विधानसभा से विधायक विश्वास कैलाश सारंग का ये वीडियो समर्थकों की आंखें नम कर रहा है। दरअसल उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपने माता पिता की स्मृति में नरेला विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन किया था। कथा 10 जून से लेकर 14 जून तक चली थी। कथा के अंतिम दिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश शासन के अनेक मंत्रियों ने कथा में शामिल होकर पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लिया था। कथा के अंतिम दिन आयोजक मंत्री विश्वास कैलाश सारंग रोते हुए नजर आए। मंत्री सारंग का यूं फफक फफक कर रोते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित कथा के अंतिम दिन मंच से मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने रोते हुए कहा कि पंडित जी, हम आपको विदा करेंगे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरी ये टीम की मेहनत। मंत्री सारंग ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं कि कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। मंत्री सारंग ने कहा कि हमने सभी प्रयास किए, आपने बैठक का इंतजाम, रहने का इंतजाम, पानी पीने का इंतजाम, बावजूद कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्री सारंग ने कहा कि यदि अच्छा इंतजाम हुआ हो तो उसका पूरा श्रेय मेरी टीम को जाता है, और यदि कोई कमी रही हो तो उसका जिम्मेदार सिर्फ विश्वास सारंग है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा राजधानी भोपाल में 10 जून से लेकर 14 जून तक आयोजित हुई थी। आयोजकों का दावा है कि इस 5 दिवसीय कथा के दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ उठाया है। मंत्री सारंग ने यह भी दावा किया कि राजधानी भोपाल में इसके पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में कलश यात्रा नहीं निकली है। बता दें, 5 दिवसीय कथा करोंद क्षेत्र के पीपुल्स मॉल के पीछे किया गया। कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 55 एकड़ में पंडाल बनाया गया था, जबकि 200 एकड़ क्षेत्र में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई। बावजूद कथा स्थल पर प्रतिदिन ही पंडाल छोटे पड़ते गए, हर दिन नए पंडालों का निर्माण कराया गया। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।